नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 फरवरी शनिवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने उदयपुर में निलंबित आरपीएस जितेंद्र आंचलिया को गिरफ्तार किया है। एसीबी जयपुर मुख्यालय से 5 अलग अलग टीमें उदयपुर व राजसमंद में कार्रवाई के लिए पहुँची। वहाँ पर इसी मामले में निलंबित आरपीएस जितेंद्र आंचलिया, सुखेर थाने के तत्कालीन निलंबित उप निरीक्षक रोशन लाल वे 3 दलालों को पकड़ने के लिए अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। एएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जितेंद्र आंचलिया को उदयपुर शहर से गिरफ्तार किया गया और अन्य आरोपियों की तलाश देर रात तक जारी थी। इस संबंध में मूलतः उदयपुर निवासी एनआरआई ने नवंबर 2022 में एसीबी में शिकायत की थी। एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में शिकायत के सत्यापन के बाद निलंबित आरपीएस जितेंद्र आंचलिया को गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर जिले में नेशनल हाईवे पर 2 कारों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए, इसमें 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग गंभीर घायल हो गए। एक्सीडेंट पचपदरा थाना इलाके के फीमरलाई गांव के पास का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बायतू हॉस्पिटल पहुंचाया, कुछ को जिला हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से 2 घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 5 युवक एग्जाम देने के लिए धौरी मन्ना से बाड़मेर होते हुए जोधपुर जा रहे थे। इस दौरान भीमरलाई गांव के पास सामने से आ रही कार से भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद 22 वर्षीय विक्रम निवासी धौरी मन्ना को अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शेष घायलों को जिला अस्पताल पहुँचाया, जहाँ इलाज के दौरान 30 वर्षीय स्वाई निवासी धौरी मन्ना की मौत हो गई। अजमेर में कैंसर से लड़ रहे 11 साल के एक लड़के ने संथारा ले लिया। माना जा रहा है कि इतनी कम उम्र में संथारा का यह पहला मामला है। खबर लगते ही लड़के के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उनकी आंखें नम थी, सभी ने उस मासूम के मोक्ष की प्रार्थना की। 11 वर्षीय भव्य चंगेरिया बीते 4 साल से ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे थे। संथारा लेने के पहले भव्य ने अपनी माँ से कहा, रोना मत, हंसकर विदा देना। दोपहर करीब 1:30 बजे संथारा लेने के बाद भव्या ने रात करीब 8:15 पर प्राण त्याग दिए। शुक्रवार उनके निवास से अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन समाज और दूसरे लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। भव्या का अंतिम संस्कार ऋषि घाटी मुक्ति धाम में हुआ। धौलपुर जिले के विशेष पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला कोतवाली थाने का है। परिवादी ने 8 सितंबर 2020 को दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 7 सितंबर 2020 को उसके 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर के कमरे में सो रही थी और परिजन छत पर सो रहे थे। देर रात आरोपी धर्मवीर और लखना कमरे में घुसे। आरोपियों ने नाबालिग को पकड़ लिया और रेप करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान नाबालिग चिल्लाने लगी तो परिजन जाग गए। परिजन छत से नीचे पहुंचे तो दोनों आरोपियों ने नाबालिग के पिता के साथ मारपीट की। शोर सुनकर पड़ोसी भी पहुंच गए और दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को कोर्ट में पेश किया। प्रदेश में तैयार होने वाले नए गैंगस्टर की कड़ी को तोड़ने के लिए पुलिस और चिकित्सा विभाग संयुक्त तौर पर नवाचार कर रहा है। जिला स्तर पर मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक व वरिष्ठ चिकित्सकों की काउंसलिंग सेल बनाई जा रही है। यह टीम सोशल मीडिया के जरिए अपराध से जुड़ने वाले युवाओं की काउंसलिंग करेगी। सोशल मीडिया पर एक्टिव होते बदमाश पुलिस और सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। गिरोह के सरगना वारदात के बाद बेखौफ सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी तक ले रहे हैं। 3 दिन पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने डीजीपी, आईजी और एसपी के साथ वीसी से मीटिंग ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे बदमाश और इनसे जुड़कर अपराध में उतर रहे युवाओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस मामले में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। स्टेट सोशल मीडिया प्रकोष्ठ लगातार ऐसे बदमाशों पर नजर रख रही है जो अपराध के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही हथियारों के साथ फोटो डालकर खुद को फेमस करने वालों को चिन्हित कर रही है। इन सोशल मीडिया अकाउंट पर आने वाले पर कमेंट और लाइक करने वाले नए युवाओं का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ताकि इनकी पहचान कर इन्हें अपराध में उतरने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट जारी किया। बजट जारी होने के बाद सीएचसी क्रामिक को
जब कुछ नहीं मिला तो ये लोग नाराज हो गए। नाराज होने पर चार महिला और दो पुरुष राज्य सरकार के बजट से नाखुश होकर गांधीनगर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलने पर बजाज नगर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। सीएचसी क्रामिक ने आरोप लगाया है कि उनकी मांगों को लेकर वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित प्रदेश के कई मंत्रियों से मिले थे, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि बजट में सरकार उनके लिए कुछ करेगी। बजट जारी होने के बाद भी सरकार की ओर से उन्हें कुछ नहीं मिला। राज्य सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। पाली जिले के सोजत सिटी थाना क्षेत्र में फर्जी शादी कर 2 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। चंडावल निवासी पीड़ित श्यामलाल ने कोर्ट के जरिए दर्ज करवाए मामले में बताया कि उनके बेटे संजय की शादी के लिए बुधराज मेघवाल और उनकी पत्नी हेमा मेघवाल निवासी मोल्डवा सोजत उनसे मिले और कहा कि महाराष्ट्र में उनके परिचित की लड़की है, जिसके वे उनके बेटे की शादी करवा सकते हैं। 13 अप्रैल 2022 को दोनों शीतल नामक लड़की को लेकर उनके घर आ गए और लड़की पसंद आने पर शादी के लिए 2 लाख रुपए मांगे। फिर 13 अप्रैल को उनके बेटे की कोर्ट मैरिज करवाई और 16 दिनों बाद लड़की चली गई और वापस नहीं लौटी। पीड़ित ने सोजत निवासी बुधराज मेघवाल, उनकी पत्नी हेमा मेघवाल, महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र निवासी शीतल, संगीता, विजय के खिलाफ फर्जी शादी कर 2 लाख रुपए हड़पने का मामला दर्ज करवाया है। रासमन के लोढ़ियाणा गांव में वृद्धा हंजाबाई की हत्या कर चांदी के कड़े लूटने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। महिला के पोते को गिरफ्तार किया गया है। DYSP बेनी प्रसाद ने बताया कि कुवारियां थाना के लोढ़ियाणा गांव में अकेली रहने वाली हंजाबाई का मर्डर कर चांदी के कड़े लूटने की वारदात हुई थी। हंजाबाई की बेटी देवबाई ने कुवारिया थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने FSL टीम व डॉग स्क्वाड बुलाकर मौके से जांच की। मामले में साइबर टीम की मदद लेते हुए मौके पर ही MOB टीम को बुलाकर घटनास्थल से सबूत जुटाए। पुलिस ने पूछताछ की तो पोते दीपक पर शक गया। 19 वर्षीय दीपक अमेटा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ की जा रही है। अजमेर जिले के एक व्यक्ति से जैसलमेर की फर्म की ओर से 3.5 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। अजमेर की फर्म की ओर से भेजे गए सामान का भुगतान नहीं किया और चेक लेटर पैड पर भी हस्ताक्षर में भी भिन्नता है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सागर इंडस्ट्रीज, रिको इंडस्ट्रीज पालरा अजमेर के प्रोफेसर प्रदीप मोटवानी ने रिपोर्ट देकर बताया कि 25 दिसंबर को श्री नागनेची एंटरप्राइजेस जैसलमेर को 3,56,950 रुपए का सामान भिजवाया, जिसके भुगतान की अंतिम तिथि 17 जनवरी थी। चेक पर फर्म के ऑनर ने हस्ताक्षर किए तथा अपनी कंपनी के लेटर पैड पर चेक का उल्लेख किया, जिस पर सुमेर सिंह ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद भुगतान के लिए संपर्क करने पर पहले टालमटोल किया और बाद में पैसे देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली जिले के बर मारवाड़ कस्बे में बर के निकट हाईवे पर देर रात यात्रियों से भरी निजी बस में अचानक आग लग गई। घटना से यात्री घबरा गए और सामान लेकर नीचे उतरे। कुछ यात्री बस में फंस गए। उन्हें मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों और LNT के हाईवे स्टाफ ने शीशे तोड़कर बाहर निकाला। हालांकि हादसे में किसी की जान नहीं गई। थाना प्रभारी सुखदेव ने बताया कि कोयटा चौराहे पर रात 1 बजे बाड़मेर से कोटा की तरफ जा रही निजी बस की बैटरी में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई। सूचना पर हाईवे पर गश्त कर रहे पुलिसकर्मी पहुंचे। कुछ यात्री तो बस में पीछे फंसे थे। खिड़की के कांच तोड़ सुरक्षित बाहर निकाला। बस में 40 से ज्यादा यात्री थे। सूचना पर जैतारण, सोजत, बयावर से दमकल मौके पर पहुंची। तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी।